हेलो एवरीवन, यह इस सीरीज का पांचवा वीडियो है और इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी और बिहार में जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं पूर्व में आयोजित की गई उसके प्रश्नों को वरलाइंदा के रूप में। ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा पैटर्न को समझने में एग्जाम के, और क्विक रिविजन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 63वीं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए उसके वनलाइनर के रूप में, और ये है पार्ट ए 63वीं बीपीएससी का। आगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाली वीडियोज के वो आपका मिस ना हो। आप हमसे टेलीग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए फिर 63वीं बीपीएससी में जो पूछे गए प्रश्न उसको वनलाइनर के रूप में हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी, सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 1905, ये तो पता ही है लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है 19 जुलाई, 19 जुलाई, 19 जुलाई। इसके बाद तीसरा, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था, सही उत्तर हो जाएगा मदन लाल धींगड़ा। भारतीय उच्चायुक्त का किस अधिनियम से सृजन हुआ, उच्चायुक्त का, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू, लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उस समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि प्रथम और तृतीय में उसने भाग नहीं लिया था, द्वितीय में भाग लिया था गांधी इरविन समझौता के बाद 1931 में। आगे, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सही उत्तर हो जाएगा 1924, बेलगाम सेशन, और एकमात्र इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो इसका इसमें उत्तर हो जाता आपका थे अगर पूछा जाता तो एबी अलेक्जेंडर, मैथ्यू लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, और वेवल जो थे वो नहीं थे कैबिनेट मिशन के सदस्य, चार्ल्स वेवल थे आपके वायस राय। इसके बाद है, नाउ और नेवर पैम्पलेट लिखा गया किसके द्वारा, सही उत्तर जगह रहमत अली। सती को गैर कानूनी घोषित किया गया किसके द्वारा, विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन की सहायता से 1829 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था 1900 ईस्वी में। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई, सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। स्वामी सहजानंद की पत्रिका किसान आंदोलन से जुड़े थे ये, उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था, सही उत्तर हो जाएगा हुंकार। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। इसके बाद 1922-1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था, तो एक से अधिक उत्तर हो जाएगा इसमें, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह दोनों इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसलिए एक से अधिक है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ई। इसके बाद 1934 में अपने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, सही उत्तर रहेगा जयप्रकाश नारायण। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे कौन, तो अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम, ये तीनों थे, तो एक से अधिक उत्तर सही है इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया गया किसके द्वारा, मोहम्मद यूनुस। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया, 1948 में गांधी जी की मृत्यु के बाद। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका एक से अधिक, फिरोज शाह मेहता, तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीनों हो जाएंगे, तो इसलिए एक से अधिक उत्तर सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ई। इसके बाद है, भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है, सही उत्तर हो जाएगा केरल। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है किसको, हल्दिया को इलाहाबाद से। इसके बाद खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबा के लिए। कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, सही उत्तर हो जाएगा पुनपुन। कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, सही उत्तर हो जाएगा CWG। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिला में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सही उत्तर हो जाएगा नवीन जलोढ़क। इसके बाद है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है कौन सा, पूर्णिया। त्रिवेणी नहर है किस नदी पे, गंडक। महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान है पावापुरी और जन्म कुंडग्राम। इसके बाद कैमूर पठार प्रसिद्ध है किसके लिए, चूना पत्थर के लिए। घड़ी में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल बने होते हैं किसी से, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। इसके बाद ब्रोमीन होती है, रेड लिक्विड होता है ये ब्रोमीन, और ये आपका सेवेंथ ग्रुप में पाया जाता है हेलोजन्स में। आगे, वेल्डिंग में प्रयोग कौन सी गैस की करते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन को एसिटिलीन के साथ। तीन तरह के फ्लेम निकलते हैं, कार्बराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल फ्लेम। इसके बाद है फिर आपका,
गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है किस चीज की? सही उत्तर हो जाएगा जस्ते की, जिंक की। इसके बाद है फिर दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य बताना था, तो ये हो जाएगा आपका 3900 से 7600 एंगस्ट्रम। कपड़े साफ करने वाला डिटर्जेंट क्या होता है? सल्फोनेट होता है वो, सोडियम लॉरी सल्फेट। मानव पसीने से उत्सर्जित होता है क्या? मैग्नीशियम और गंधक दोनों। तो एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई। नीला थोथा रासायनिक रूप से मतलब क्या कहते हैं उसको? तो कहते हैं उसको कॉपर सल्फेट, Cu4.5H2O। इसके बाद एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा, तो ये होता है आपका न्यूक्लियस। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं क्या? ऊर्ध्वपातन। मानव तांता में इंसुलिन किसका चयापचय करता है? मानव तंत्र में, तंत्र में तो ये चयापचय करता है किसका? उपापचय, कार्बोहाइड्रेट का। एंटीबायोटिक है कौन कौन सा पूछ रहा था? तो पेंसिलिन और सल्फाडाइजीन दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ई। इसके बाद है फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ई। इसके बाद है सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? तो जो ऑप्शंस दिए गए थे तो उसमें उत्तर हो जाएगा इसका चावल। सबसे भारी धातु है कौन सी? प्लेटिनम, सोना चांदी, प्लेटिनम और पारा में पूछ रहा था, तो इसमें सबसे भारी धातु हो जाएगी प्लेटिनम। इसके बाद स्टील मिश्र धातु है किस चीज का? तो सही उत्तर हो जाएगा लोहा और क्रोमियम का। टूटी हड्डियों के लिए प्लास्टर और पेरिस का प्रयोग होता है, उसमें उसका रासायनिक नाम पूछ रहा था, तो सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, इसको बोला जाएगा एल्कीन, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको बोला जाएगा एल्काइन। सिरके का रासायनिक नाम पूछ रहा था, एसिटिक एसिड। कार की बैटरी में प्रयुक्त होता है क्या? तो कार की बैटरी में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिकम, H2SO4। इसके बाद सोडा वाटर को खोलने के पर कौन सी गैस निकलती है? सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया आपका 63वीं बीपीएससी का पार्ट ए, पार्ट बी जल्दी ही। तो प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा ये सीरीज आपको रिवीजन के लिए। धन्यवाद।